जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के संग जिए जजिए जा जी जजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कोठारी के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसी वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है कि रोज मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊं। तीन सीरीज के बारे में बता दूं कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार को हम अलग अलग वीडियो लेकर आते हैं। मंगलवार को हम एक सब्जेक्ट जो एजुकेशन सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आते हैं और गुरुवार को प्री रिकॉर्डेड जो सेमिनार होती है उसका वीडियो लेकर आते हैं और संडे की नाइट को अनसुने किस्से आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का प्यार देखकर और आप लोगों के सजेशन और आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं उसके माध्यम से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें, लेकिन कमेंट लिखने से पहले मेरे पुराने वीडियो देख लें ताकि आपको वो प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं हो सकता है शायद उसका आंसर उसी के अंदर मिल गया हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टीम में लोगों को शेयर करें, क्योंकि अगर एजुकेशन है वो अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी टीम में डुप्लीकेशन तभी होगी जब इन वीडियो को एक एक एजुकेशन को आप अपनी टीम में फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्रॉस लेग की रिलेशनशिप। दोस्तों क्रॉस लेग डायरेक्ट सेलिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला सब्जेक्ट है और पहला प्रोडक्ट भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्रॉस लेग है। 90% लोग प्रोडक्ट बेच लेते हैं, 90% लोग बहुत मेहनत कर लेते हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी उनका बिजनेस एक स्टेज पर आकर रुक जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो क्रॉस लेग की रिलेशनशिप को नहीं समझने की वजह से बहुत सारे चैलेंज उनकी लाइफ के अंदर आते हैं, उनके बिजनेस के अंदर आते हैं, एक स्टेज पर जाकर बिजनेस जाम हो जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यानी आप जैसे हैं वैसे ही आपकी टीम तैयार होगी और आप जैसे हैं अगर आपने आपके जैसा तैयार कर दिया तो जिस तरह से आपका बिजनेस चल रहा है उसी तरह से आपकी टीम का बिजनेस चलने वाला है। अगर आपका बिजनेस एक स्टेज पर आकर रुक जाता है तो आपकी टीम का भी बिजनेस एक स्टेज पर आकर रुकने वाला है निश्चित रूप से। तो दोस्तों बात करते हैं क्रॉस लेग क्या है। दोस्तों क्रॉस का लेग का मतलब क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, अगर क्रॉस लेग का मतलब आप समझें तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्रॉस लेग का मतलब है वो लेग जो जिससे डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं लेकिन डायरेक्टली कमीशन के रूप में इकोनॉमिकल कोई भी बेनिफिट नहीं होता। और आपकी जब पैरेलल कोई लेग होती है अप्लाइंग की तो वो सब क्रॉस लेग होती है क्योंकि उससे आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। जैसे आपकी अप्लाइंग की तीन लेग है ए, बी और सी, तो ए, बी, सी तीनों लोग जो है आपस में क्रॉस होंगे क्योंकि इन तीनों का इकोनॉमिकल हित कहीं पर भी मैच नहीं करता और इसीलिए इसे क्रॉस लेग कहा जाता है। दोस्तों क्रॉस लेग के संस्कार जो होते हैं अगर आपने शुरुआती रूप से ढंग से डाले तो आने वाले समय में आप सारे चैलेंजों से, सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इस क्रॉस लेग की रिलेशनशिप में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों क्रॉस लेग मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला प्रोडक्ट है क्योंकि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं हर मोमेंट पे क्रॉस लेग पैदा करते हैं। जैसे एग्जांपल आपने ज्वाइन किया और आपने तीन लोगों को ज्वाइन कराया तो तीन लोग आपस में क्रॉस लेग हैं और आपके नीचे जो तीन लोग हैं फिर अगर वो तीन चार लोगों को अपने पैरेलल लाइन में ज्वाइन कराते हैं तो वो भी आपस में क्रॉस लेग है। यानी आप जहां पर ऊपर से ट्रीटमेंट देंगे वही नीचे तक जाने वाला है, आप जो सिखाएंगे वही नीचे जाएगा। यानी अगर क्रॉस लेग को आप नहीं समझा, अभी आप दूसरे किसी व्यक्ति की लेग को क्रॉस लेग समझते सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय आप खुद इस जाल में फंसने वाले हैं। दोस्तों क्रॉस लेग को थोड़ा समझ लेते हैं। क्रॉस लेग के लिए एक सेंटेंस है मेरा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। क्रॉस लेग है दूर के रिश्ते का सगा भाई। जी हाँ दोस्तों, दूर के रिश्ते का सगा भाई। इसका मतलब यह है कि क्रॉस लेग जो है वो सगा तो भाई है लेकिन रिश्ता आपका बहुत दूर का है। यानी आपको दो तरीके से इसे ट्रीट करना पड़ेगा और हर जगह आपको अलग अलग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि क्रॉस लेग की बात करते हैं तो थोड़ी मन में ईर्ष्या पैदा होती है, थोड़ी जलन पैदा होती है और उस वजह से आपको बहुत सारे चैलेंज आते हैं। दोस्तों क्रॉस लेग से अगर ढंग से आप ट्रीट करें तो आप अपने बिजनेस को बहुत तेज गति से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर पहला गलती हम क्या करते हैं कि क्रॉस लेग की रिलेशन को हम समझ नहीं पाते। क्रॉस लेग का रिलेशनशिप जो होता है वो केवल सिस्टम के तहत होता है। जैसे हर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम होता है और एजुकेशन सिस्टम के तहत अगर क्रॉस लेग से आप मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई क्रॉस लेग है और आप
घंटों तक उनके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बातें बिजनेस की भी होगी। और अगर बिजनेस की बातें होगी तो हमेशा नेगेटिव बात इसलिए होगी क्योंकि आप दोनों ही के ही मन में चल रहा है कि इसके बिजनेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे बिजनेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर अक्सर हम गलती करते हैं, कुछ नेगेटिव बात कर बैठते हैं और ये नेगेटिविटी हम सोचते हैं कि केवल मैंने बोला तो इसी को नेगेटिव गया, लेकिन ये डुप्लीकेशन का मामला है। कल आपकी टीम में अगर यही टीम आपकी टीम का आदमी करेगा तो आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि सिस्टम को थोड़ा हम इग्नोर करते हैं। जब कोई एक सिस्टम की सेमिनार अगर आपकी सिटी में हो रही है, उसी सिटी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि क्रॉस लेग हमारे बिजनेस को खराब कर देगी, हमारे बिजनेस को तोड़ देगी, किसी को परचेजिंग रोककर वापस ज्वाइनिंग करा लेगी। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए क्योंकि यही सवाल आपकी टीम में जो आपकी डाउनलाइन है उसके मन में भी आ सकता है। तो कई बार लोग गलती क्या करते हैं, सिस्टम की सेमिनार आपकी सिटी में हो रही है और जिस समय सेमिनार हो रही है उसी टाइम पर क्रॉस लेग का एक लीडर आकर अपनी टीम की अलग सेमिनार ले लेता है। दोस्तों यहां पर आपने एक बार तो बचा लिया टीम को, लेकिन आने वाले समय में फंस जाएंगे क्योंकि आपके अगर चार लेग हैं और चारों लेग के लीडर भी आप ही की एक ही सिटी में यही काम कर देगी तो आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। और अगला फायदा यह है कि जब आप सिस्टम की सेमिनार होती है तो क्रॉस लेग का बेनिफिट लीजिए, सहयोग लीजिए, क्योंकि ये सहयोग अगर आप अपनी अपलाइन के थ्रू लेते हैं तो आपको कोई भी चैलेंज आने वाला नहीं है। सिस्टम के थ्रू लेते हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी टीम के लोगों को थोड़ा प्रमोट कर देते हैं लेकिन क्रॉस लेग की टीम को प्रमोट नहीं करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इस बिजनेस के अंदर थर्ड पार्टी का नियम हर जगह लागू होता है। कोई भी आदमी डायरेक्टली अपने से नीचे वाले आदमी को कुछ समझाएगा ज्यादा उन्हें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब भी कुछ बात समझाई जाती है तो हमेशा अपलाइन का नाम बोला जाता है। जैसे मेरी अपलाइन हमेशा ये कहती है, आप ये वर्ड सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद उस बात को कीजिए तो वो बात इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है। तो जब आप सेमिनार के अंदर होते हैं और आप ही की टीम के आदमी, आप ही की सेमिनार होगी तो आपको वहां पर ज्यादा चार्जिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखते हैं कि एनिवर्सरी के फंक्शन, सिस्टम के फंक्शन में जब भी कोई आदमी आता है तो भयंकर रूप से चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहां पर केवल आप ही की टीम नहीं होती, वहां अनेक तरह की टीमें होती है, अनेक लीडरों की टीम होती है और सारे लोग एक दूसरे की टीम में चार्जिंग का काम करते हैं। और ये सिस्टम अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आने वाले समय में समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो मैं टॉपिक को कंक्लूड कर दूं कि सबसे पहले मैंने बोला था कि जलन और ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि जलन और ईर्ष्या करके फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, उससे नुकसान होने वाला है, डुप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको जलन ईर्ष्या नहीं करने की बजाय आप उनसे मोटिवेट होइए, आप उनसे कंपटीशन कीजिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर कोई सिस्टम किसी जगह स्टेब्लिश है तो सिस्टम का सहयोग दीजिए, आप अपना स्टेब्लिशमेंट अलग से मत कीजिए, अपना सिस्टम अलग से मत बनाइए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी टीम के आदमी भी उसी तरह का काम करेंगे। तीसरा, हमेशा मीटिंग सेमिनार में सहयोग लीजिए थर्ड पार्टी का सिस्टम के थ्रू, और हमेशा ये काम अगर आप करेंगे, दूर के रिश्ते का सगा भाई ये वाला नियम आप अपनाएंगे, कभी क्रॉस लेग के साथ घंटों तक रुकना नहीं, घंटों तक बात नहीं करना, सिर्फ क्रॉस लेग से मिलना है सेमिनार के अंदर, फंक्शन के अंदर, सिस्टम का कोई भी फंक्शन उसके अंदर मिलना है, लेकिन जब भी क्रॉस लेग से मिले तो ऐसे मिले जैसे कोई भरत मिलाप हो रहा है, राम और भरत का मिलाप हो रहा है, इतने एक्साइटमेंट के साथ आपको मिलना है ताकि आपकी डाउनलाइन प्राउडली एक फील करे। और अगर ये काम आपने किया तो आपकी टीम भी यही करेगी और वो भी कभी क्रॉस लेग के साथ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। अगर ये मर्यादा का आपने पालन किया तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। दोस्तों आपने लगातार मुझे बहुत सहयोग दे रहे हैं और आप मुझे लगातार पूछ रहे हैं नए नए कमेंट के माध्यम से कि मुझे अगला वीडियो क्या चाहिए। इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भेजिए टीम को और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। पिछले वीडियो में जिस व्यक्ति ने सबसे अच्छा कमेंट दिया उसको अभी हम उस कमेंट को पढ़कर सुना रहे हैं आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लगातार इस एजुकेशन का लाभ लेने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार सर जी, आउट ऑफ टाउन की अहम जानकारी के लिए बता के बड़ा बिजनेस का निर्माण सभी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। ज़्यादातर लोग आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना तो चाहते हैं और स्टार्ट भी करते हैं, पर लैक ऑफ नॉलेज के कारण बंद भी कर देते हैं। ज़्यादातर लोग सभी काम खुद ही करना चाहते हैं, टीम वर्क की ताकत को कोई नहीं पहचान पाते हैं। सर जी, थैंक्स फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ MLM बिजनेस। सर, अपलाइन का बिजनेस में रोल के ऊपर एक वीडियो बनाएं।
धन्यवाद सर, संजय जैन, कोलकाता। इस समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम।